क्योंकि उनकी वीडियो सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं और बच्चों को ऐसे समझाने के लिए बाय फेस कोई नहीं बैठा है। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई छिड़ चुकी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट है और अभी का सीन ये है कि अभी जस्ट नहा के आया ही हूँ और अभी हमारा प्लान बन रहा है मंडे मार्केट जाने का। मैं और मम्मी जाएंगे, यहीं पास में ही है, पीछे वाली कॉलोनी में लगता है। तो चलो चलते हैं, पैदल ही जा रहे हैं हम लोग, तो गाड़ी वाड़ी पे नहीं जा रहे। बस यहाँ सामने जाते यूँ जाते ही है, बस पास में ही है ना। कैरी अचार के लिए, अच्छा अचार के लिए कैरी चाहिए गाइस। वो मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में अचार कैरी का, उसमें से एक ही डब्बा बचा है बस, है ना। उसमें कितने किलो कैरी का डाला था अचार? 10 किलो। हाँ सही गाइस, 10 किलो कैरी का अचार तो हम खा भी गए उसमें से बस थोड़ा सा बचा है। जब तो मम्मी 10 किलो कैरी मंगाई थी। हाँ देख लो गाइस, कैरी कितनी फेवरेट है हमारे घर में। और अभी तो पापा और मंगा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले। वो तो नागिन जो है पापा का फ़ोन ले आई थी, तो अब देने गई है, अब हमको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। ये है हमारी कॉलोनी का मंदिर, एक दिन पूरा टूर देंगे आपको हमारी कॉलोनी के मंदिर का। सो गाइस देखो, हमारे मंदिर में ये पीपल का पेड़ है, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब पीपल के पेड़ की जड़ दीवार तोड़ के बाहर आ गई। ये है मंडे मार्केट पूरा, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम लोग। यहीं से स्टार्ट है, इधर ये पताशे वगैरह मोमो वगैरह के ठेले हैं, उधर सब्जी वगैरह के हैं। सो फाइनली पहुंच गए हैं मंडे मार्केट में, देखो इतना क्राउड है। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. So guys, मैं तो अभी वापस आ गया हूँ मंडे मार्केट से। मम्मी वगैरह ले रही है वहाँ पे सब्जी, उनको तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी इतना फ़नी सीन हुआ ना वहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो एक सब्जी वाला बोलता है, अरे अरे सब जो है थैली अंदर रख लो, वीडियो बन रही है सबकी। एक्चुअली पॉलीथीन बैन हो गई ना, इसलिए तो वहाँ पे सब पॉलीथीन यूज़ कर रहे थे। सो गाइस मैं तो अभी आ गया हूँ घर पे और अभी आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ जो भी आज के व्लॉग पे आए हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, 2-4 रीड करके बता देता हूँ आप लोगों को। आज गाइस हमारे व्लॉग के ऊपर देसी अनप्लग्ड का कमेंट आया है, जिनके YouTube पे 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। गेमिंग राकेश बोल रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी टू डियर अंकल एंड आंटी जी। थैंक यू गेमिंग राकेश। आपका साथी के बोल रहे हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाया करो भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एंड गाइज आज के व्लॉग पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि इंटरनेट तो चल ही रहा था, आप कैसे अपलोड कर रहे हो कैसे अपलोड कर रहे हो। तो गाइज़ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाईफाई तो चल रहा है, मतलब जिनके वाईफाई लगा हुआ है ना उनका इंटरनेट चलता है। जब इंटरनेट बंद करती है ना सरकार, तब तो लगभग 1.5 साल हो गया मेरे को तो वाईफाई लगवाए हुए। यूट्यूब से भी पहले का लगवा रखा है मैंने तो, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का ही बिजनेस है ना, इस वजह से। आशीष बोल रहे हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी, नो नीड फॉर एब्स, ऑलरेडी फिट बॉडी। थैंक यू आशीष। उसके नीचे कमेंट है शिवानी चौधरी का, जिन्होंने कहा है कि कीप ग्रोइंग, थैंक यू। यूपी वाले लौंडे बोल रहे हैं कि आपने सब्सक्राइबर हाइड क्यों किए। मैंने ऐसे ही कर दिए, मेरा मन कर रहा था, क्योंकि 29 जुलाई के बाद तो वैसे भी हाइड नहीं कर पाओगे, तो मैंने सोचा थोड़े दिन का फीचर और है, चलो यूज़ कर लेते हैं उसके बाद बिजक फोटो एडिटिंग का कमेंट आया है कि सुपर, थैंक यू। और AK अल्फेज बोल रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो भाई। तो भाई मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ, ऐसे करके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, तो मैं सोचा थोड़े बहुत आप लोगों के लिए पढ़ लूँ। सो गाइज़ अभी 7 बज गए हैं और बाहर आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। एंड गाइज़ हमारी कॉलोनी का हाल देखो कितना गंदा हो रहा है, देखो यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है, हमारे सब तरफ सूखा है, पूरा सूखा है, बस यहीं पे देखो इतना सारा पानी भरा हुआ है। गाइज़ पीछे वाली कॉलोनी में JCB चल रही है और वहाँ खेल रहा था बेटा, देखो देवांशी को भेजा था मैंने लेने के लिए, देवांशी लेके आई है इसको। क्या खा रहा है, मुझे हाथ से खिला ना, हाथ गंदे हो जाएंगे यार, मास्क पहनो पहले। ये क्या था, तुमको डेली 200 रुपये मिलते हैं, कभी ये नहीं कि आज मैं चाचा के लिए चीज़ ले चलूँ, है ना। हेलो तो देखो बोलते ही तो दे रहा है चॉकलेट, है ना, ऐसे नहीं चाचा के लिए भी लगता है कि आपको दूंगा। भाई मैं भी तुम्हारे लिए चीज़ लेके आता हूँ, भूल भी गया, देखो इतनी सारी चीज़ लेके आया इसके लिए मैं। उस दिन बर्गर किंग वाला है ना, ताज लेके आए थे और बड़ी वाली चॉकलेट लेके आए थे। इतनी सारी चीजें दी है आज तक, सब भूल गया भाई ये तो। इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आए थे उस दिन तो भूल। अरे कभी नहीं दिया तो बोल दे, कभी नहीं दिया चाचा आपने, कभी कुछ ला के नहीं दिया मेरे को। बोल दे बोल दे बोल दे, नहीं तो बोल दे मैं तेरे लिए कभी कुछ नहीं लाया। नहीं नहीं लाया, नहीं लाया ना। अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ लायो। बोल नहीं सकता ये, क्योंकि इसको पता है अगर बोल दिया तो फिर क्या होगा। अब ये दे कितना खा चुका है तो बस थोड़े बहुत, चलो थोड़े बहुत मैंने ले लिया इससे। इमोशनल ब्लैकमेल करके मैंने ले लिया इससे। पायल जोन है ना जो सौरव जोशी के ऊपर जो है झूठी मूठी वीडियो बनाती है, तो उसके चैनल को मैंने स्ट्राइक दे दी। अच्छी बात है ये लो। वो बनाई थी ना कि सौरव ने मेरी नाक काट दी। अरे हाँ गाइस को पता है को पायल जोन कौन है। तेरे को कैसे पता? तो मैं एक वीडियो देखी थी सौरव की। देखो गाइस कहाँ तक पहुँच रही है उसकी फेक वीडियोस। पायल जोन को बंद करना पड़ेगा गाइस। देखो सैम, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी, मेरे को तो -100% उम्मीद थी कि इसको बिल्कुल पता नहीं होगा कौन है पायल जोन, और भाई इसको पता है, इसने देख रखी उसकी वीडियो। मतलब कितने हज़ारों कितने लाखों बच्चों तक पहुंची है पायल जोन की फेक वीडियो। तो बच्चे तो छोटे होते हैं, इनको तो इतनी समझ होती नहीं है, तो ये तो यही सोचेंगे ना कि सच में काटी है। उसकी एक वीडियो में उसकी नाक कटी हुई है, दूसरी वीडियो में वापस आ गई। बाप रे, सैम को ये भी पता है कि उसकी एक वीडियो में नाक कटी हुई है, दूसरी में वापस आ गई। पर वो जो पहली वाली वीडियो थी उसको देख के तो यही सोचा होगा ना सच में काट दी। देख लो गाइस, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं आपको बच्चों का। तो सौरव जोशी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ गलत है पायल जोन जो बना रही है, क्योंकि उनकी वीडियो सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं, और बच्चों को ऐसे समझाने के लिए बाय फेस कोई नहीं बैठा है। वो लोग तो यही सोच के बैठ जाएंगे ना कि हाँ सच में नाक काटी है, तो आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे फिर, और गलत न्यूज़ पहुँचेगी बच्चों तक कि सौरव जोशी ने नाक काटी है। तो मैं सौरव जोशी से ये जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से पायल जोन ऐसी कोई वीडियो ना बनाए फेक वाली, क्योंकि बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो सच में ये सोच रहे हैं कि सौरव जोशी ने सच में नाक काटी है। ये मैंने आपको लाइव प्रूफ दिया है, देख लो। हमारा सैम है, इसको मेरे को तो पता नहीं था, इसको पता है पायल जोन के बारे में, वो तो मैंने ऐसे ही जो है बात कर ली, इससे तो पता चल गया। तो गाइस अभी का सीन ये है, 7:15 बज गए हैं और अंदर चलते हैं, देखते क्या चल रहा है। इसको देखो कैसे खा रही है। गाइस मम्मी देखो कितनी छोटी छोटी नाशपाती लेके आई है। क्या भाव मिली है मम्मी? है ना सस्ता दिखता है ना, कुछ भी उठा लाती है चाहे खराब ही हो। गाइस व्लॉग चालू है इसलिए कुछ नहीं बोल रही, नहीं अब तक 10 गालियां सुना देती मेरे को। तो बंद कर इसको, पता पड़ेगा इसको चालू ही रखूंगा अब मैं। आप मंगवा दे तुम चाहिए, नहीं आप मंगवा लो, खा दे तुम। मेरा बाप अब खा जाओ तुम। मम्मी बोल रही अब मंगवाना, मेरा बाप भी नहीं जाए लेने। अच्छी है। देखो मम्मी लाई है तो पापा बुराई नहीं कर रहे नाशपाती की। अभी कैमरा ऑफ था तो खुद ही बोल रहे थे 20 रुपए फालतू गए, अब देखो कुछ नहीं बोल रहे। अब तो कोई भी चीज खरीद कर नहीं जाऊँ, भले से बैठ ही रहूँ। तो भाई देख लो मम्मी ने जो है ना पल्ले में गांठ दे लिए कि अब कुछ भी नहीं लाऊंगी मैं। 100 रुपया उठाए जो तो लड़ रही है। तो गाइस मम्मी जो है ना 100 रुपया उठाए, 200 रुपया उठाए, मैंने कहा भाई 200 रुपया सामान ले आई। मम्मी 200 रुपये खर्च करी आई तो पापा डांट रहे मम्मी को। मैंने कुछ नहीं डांटा, बिना मतलब का आरोप लगाया जा रहा है। और 1 किलो ककड़ी खा दी यार, पाव भी आधे किलो। फालतू गए, देख लो देख देख अब देख क्यों खाई फिर तुम ना यार, देख 1 किलो ककड़ी खा कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई छिड़ चुकी है। तो मम्मी वो क्या नाम से विनी को कब लेके आना है? पहले बार है 2-4 दिन। क्यों बहुत है और का 10-15 दिन होगा। कितनी तारीख को गई? गर्मी पड़ रही है अभी, रुक जा अभी 15 दिन हो जाएगा, खेत सूख रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो मम्मी जो है नाराज हो गई क्योंकि पापा ने बोल दिया ना 200 रुपए के लिए, इसलिए। पापा पुचकार रहे हैं मम्मी को। मत रो। अरे उबाल के बना लो। अरे नहीं को मेरे साथ वापस लेता हूँ ना, मेरे आँख में देख, मेरे साथ वापस लेता हूँ यार। देखो अरे नहीं, अरे नहीं एंड गाइज मेरा प्लान था कल विनी को लेने जाने का, बट अभी मेरे पास कॉल आया है। एक्चुअली आपने मेरे लास्ट से लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं हॉस्पिटल गया था। मेरी वाइफ है, उनकी सिस्टर के बेबी हुआ था, उनके हालचाल पूछने के लिए। तो उन्हीं का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को जड़ोले का प्रोग्राम है उनके घर पे। मेरा जो ससुराल है ना, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर ही है वो, बट मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को लगभग 65 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 4 दिन बाद ही जाऊँ। अभी का सीन ये है, अब मेरे को करना है व्लॉग एडिट। टाइम हो गया है, 8:30 बज गए हैं। एंड आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि आज मम्मी पापा 200 रुपये के लिए लड़ रहे थे, तो वो आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा।